फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो उससे पहले हैप्पी नवरात्रे मेरी तरफ से आप सभी को, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही हूँ मैं रेडी, नहा के आ चुकी हूँ, सारा काम ख़त्म हो चुका है घर का, और नहा भी ली हूँ, सर धो लिया है, बच्चे भी नहा लिए हैं। अब बारी है दीदी की, दीदी नहा रही है, जब तक वो नहाएंगी अपना मतलब जो है मैं तैयार होके कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। आज आपके आपको आज के व्लॉग में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरी पूजा करने का तरीका जैसे भी मैं करती हूँ वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए पूजा की ओर चल लेते हैं। हम भी हो गए हैं रेडी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, शुरू वाले दिन बहुत टाइम लगता है, तो फटाफट से जल्दी कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। इस बार तो माता जी से मांगने वाली हूँ कि बस माता जी बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, बहुत टेंशन रहती है उनकी पढ़ाई को लेके। तो चलिए जी, नहा धो लिए हैं, पूजा करूंगी अब, दीदी नहाने लग रही है, मैं हो गई हूँ रेडी। तब तक मैं जो है कर लेती हूँ वहाँ पे, मतलब आज शुरू का वो है ना नोड़ता, तो पूरी ही तैयारी आज होगी। सोनाक्षी, आम के पत्ते मंगा लिए? पुष्प ले लिए हैं, सामग्री है, लौंग है, बत्ती है, और ये कपूर, ये धूप बत्ती, प्रसाद भी रख लिया है, और घी। बस अब मुझे चावल और कलश की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने सामान मिक्स कर लूँगी, चावल डाल दिए जैसे कि, और अब डाल दिया है घी, पूरा 9 दिन का सामान आज ही मैं इसमें मिक्स करके रख दूंगी। अब डाल दिए तिल, जो भी कुछ सामान होता है वो इसी में ही डाल दूंगी। यहाँ पे रखूंगी कलश, तो वहां पे भी थोड़े चावल डाल दिए हैं नीचे। पैसे, चावल और गंगा जल डाल दिया है लोटों में मैंने, और इसके ऊपर रख दूंगी नारियल।
पत्ते रख दिए।